कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। आज मैं करने वाली हूँ आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर। तो चलिए पहले नहा के आ जाते हैं, फिर आपके साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो बने रहिए आज के व्लॉग में गाइस। आज मैं अपने आपके साथ पूरा फुल डे रूटीन शेयर करूँगी अपना। नहा लेते हैं फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। अभी मेरे दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं गाइज। यहाँ पे मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और अभी भी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो मैं इसलिए ही जल्दी उठती हूँ सुबह की, ताकि मैं जल्दी से अच्छे से आराम से नहा सकूँ, क्योंकि फिर बच्चे रोने लग जाते हैं कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से मैं जल्दी उठ के आराम से नहाती हूँ और फिर मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है थोड़ा सा। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, और जब ये लोग उठ जाते हैं ना तो फिर मेरे लिए मेरा टाइम नहीं बचता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ सुबह। तो चलिए अभी पूजा करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ बाहर का नज़ारा सुबह सुबह। गाइस मैं पहुँच गई हूँ छत पे, और अब मैं दिखाऊंगी आपको छत से नज़ारे सुबह सुबह के यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रैफिक तो चलता ही रहता है सारा दिन। ये देखिए यहाँ पे ना सिग्नल है, तो यहाँ चलती रहती है यहाँ गाड़ियाँ। ये देखिए अभी बिल्कुल शांत सा लग रहा है, और यहाँ पर 24 घंटे बादल ही लगे रहते हैं। तो सूर्यदेव तो क्या ही दिखेंगे हमें, यहाँ से आएंगे सूर्यदेव। तो यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आती हूँ मैं छत पे, लेकिन सूर्यदेव कभी नहीं दिखते हैं, ऐसे ही रहता है यहाँ हमेशा बादलों से भरा हुआ। अभी रोड पे भी ट्रैफिक थोड़ा कम है गाइस। जो सुबह सुबह की हवा होती है ना बाहर, ठंडी ठंडी एकदम फ्रेश हवा होती है, बहुत अच्छा फील होता है, एकदम फ्रेश फील होता है, मज़ा आ जाता है सुबह सुबह बाहर की ठंडी ठंडी हवा खाने से। तो चलिए मैं अभी सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ, और उसके बाद फिर नीचे चलते हैं, क्योंकि गुड्डू का स्कूल है, उसको उठाना है और फिर उसको तैयार करना है, उसके नाश्ता बनाना है। तो मेरे बहुत सारे काम है गाइस, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। मुझे लगा था मैं आपको सनराइज़ दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे तो मून दिख रहा है छोटा सा। वहाँ देखो अभी एकदम ऑरेंज हो रखा है, लेकिन दिख नहीं रहा है सन, बादल हैं बहुत सारे इस वजह से, और दिखेगा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल से सन दिखता है, हमेशा बादल ही रहते हैं। मैं तो रोज़ ही देखती हूँ लेकिन कभी नहीं दिखता मुझे, थोड़ी देर में दिखेगा लेकिन एकदम से नहीं दिखेगा अभी। तो चलो चलते हैं नीचे। वैसे यहाँ पे कंट्री लाइट वाली नारियल छोड़ के जाते हैं, अभी लोग सो रखे हैं, उठेंगे तो मिलेंगे अपने नारियल। गाइज मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, अभी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख गया। तो अभी 6:15 हो रहे हैं। तो गाइज मुझे ना सुबह की चाय आराम से पीने में बहुत अच्छा लगता है, कि मैं सुबह की चाय बनाऊँ और आराम से पीऊँ, बच्चे चूचा ना करें आराम से, मतलब समझ सकते हैं ना आप, बस वही आराम से। तो चलिए मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, और मैं सुबह जल्दी, एक रीज़न और भी है मेरा उठने का, क्योंकि मेरे पास हैं लड्डू गोपाल, तो मुझे उनकी सेवा भी करनी होती है, इसलिए मैं टाइम से उठ जाती हूँ। तो बच्चे फिर आपको पता ही है, जिससे घर में बच्चे होंगे उनको तो पता ही है बच्चे करने नहीं होते, और इतने छोटे बच्चे, थोड़ा बड़े हों तो ठीक है, लेकिन मेरे अभी बच्चे, मेरे बच्चे भी बहुत ही छोटे हैं। तो चलो चलते हैं चाय बनाते हैं, लड्डू गोपाल जी को भी चाय देंगे और मैं भी पीऊँगी, वो भी पियेंगे, हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। तो गाइज अभी मैं पी रही हूँ चाय सुबह की अपनी, तो भजन भी सुन रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। उसके बाद मैं उठाऊँगी गुड्डू को और फिर उसको तैयार करूँगी, उसको नाश्ता कराऊँगी, और मैंने उसके लिए नाश्ता भी बना दिया, मैंने उसके लिए मीठी रोटी बनाई है, तो वो वही लेके जाएगी आज स्कूल में टिफ़िन में। तो चलिए पहले चाय फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं गुड्डू को उठाऊँगी। आराम से सो रहा है ज्ञाना, मेरी आवाज़ सुन के कैसे कर रही है। ये रही गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू। गुड्डू उठो बेटा, स्कूल जाना है, गुड्डू को उठाना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ गुड्डू को उठाने के लिए, और मैंने टीवी भी ऑन कर दिया है, क्योंकि टीवी ऑन कर दूंगी तो वो फिर जल्दी से मान जाएगी, रोएगी नहीं, तो इसलिए मैं फटाफट से जा रही हूँ उसको उठाने के लिए।
और उसको लेके आती हूँ। अभी मैं अभी आती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड्डू उठ गया। उठ गया गुड्डू? उठ गया? नहीं उठा है अभी ये बच्चा। मेरा बच्चा अभी ये थोड़ा सा नींद में है गाइस, और इसके लिए टीवी लगेगी तो इसकी नींद पूरी भाग जाएगी, है ना। और आज गुड्डू का एग्जाम भी है, ओरल एग्जाम है आज। ठीक है गुड्डू, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। हाँ चलो उठे उठे। ओह अंदर गुली भी रोने लग गई, ज्ञाना भी उफ उफ कर रही है अंदर। चलो ठीक है मेरे बच्चे, चलो ब्रश करे, ये पहले टीवी देखें। पहले दुल्की को चुप कराए। ओह ये कह रही कि पहले ज्ञाना को चुप करा दे। मामा नहीं, वो नहीं रो रही है, वो खुद से ही चुप हो जाती है। वो घुंडी मुंह पे लगा देती है ना अंगूठा, फिर वो चुप हो जाती है। बहुत स्मार्ट हो गई है वो, है ना। हाँ चलो ये देखो, आंखें ही नहीं खोल रही बच्चा। चलो उठो मेरा बच्चा। और तुमने लड्डू से मिले तो देखो लड्डू ने नहा लिया, देखो लड्डू बैठे हैं वहां पे। लड्डू आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब उठेगी मेरी दीदी। लड्डू ने तो नहा भी लिया और लड्डू ने चाय भी पी ली है ना। चलो अब आपकी बारी है, बैठो यहाँ पे मेरे बच्चे। तो गाइस मैंने इसी को उठा दिया है और अब इसी को नहलाना धुलाना, नहलाते नहीं हम इसको क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सुबह के टाइम ठंडा होता है, तो इसको हम स्कूल जाते टाइम ही नहलाते हैं, हम इसको रात को ही नहलाते हैं। और अभी अब मैं इसको ब्रश कराऊंगी और फिर इसका नाश्ता पानी देखूंगी। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको गुड्डू को तैयार करने के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस उठ गया मेरा बच्चा। टीवी की आवाज कानों में जानी चाहिए और गुड्डू एकदम चंगा है ना गुड्डू। हाँ चलो जल्दी करो, और पापा तो चले गए सुबह सुबह, है ना। आपको पता है कहाँ गए पापा? कहाँ गए पापा गुड्डू बताओ? नहीं पता आपको? हा? नहीं पता? अरे पापा तो देहरादून गए हैं। कहाँ गए पापा? हाँ जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। ओके अब मम्मा आई आज आपको स्कूल छोड़ने, ओके, और लेने भी, ठीक है। चलो फिर जल्दी से तैयार होते हैं। तो गाइज मिलिए मेरे लड्डू से, तो लड्डू भी यहाँ पे तैयार होके बैठ गए हैं। लड्डू ने भी चाय पी ली है और लड्डू तो एकदम बढ़िया है, नहा धो के तैयार हो जाते हैं लड्डू सुबह सुबह, है ना लड्डू। ये लड्डू चमक रहे हैं एकदम, क्यों लड्डू हंसी कर दो, थोड़ा हंसी कर दो लड्डू, हंसी 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 हंसी। ये लड्डू की हंसी तो बस पूछो मत, इतनी अच्छी होती है, इतनी मस्त होती है ना, है ना लड्डू। वेरी गुड बॉय। चलो बांसुरी सही से पकड़ो लड्डू। अरे 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 ये लो। अरे लड्डू ये क्या हो रहा है बेटू, थोड़ा ध्यान से। ओके गुड बॉय। चलो तुम अपना दीदी के साथ कार्टून देखो, मैं और तैयारियां करती हूँ, ठीक है बच्चे। गाइज यहाँ पे गुड्डू का बैग, टिफिन बॉटल और वाटर बॉटल और ड्रेस तैयार है, तो गुड्डू जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश कर रही है, फिर उसके बाद हम गुड्डू को तैयार करेंगे। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ गुड्डू के बाल, तो चलो जल्दी से बनाते हैं गुड्डू के पे तैयार हो गई है, ये देखो। अब हम चलेंगे गुड्डू की चुटिया, अच्छी लग रही है आपको? चलो गाइस मैं भूल गई थी आज वेडनेसडे है, और मैंने गुड्डू को गलत वो पहना दी थी ड्रेस, और अब मैंने उसको सही ड्रेस पहना दी।
चलो 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 चलो, कभी कभी ऐसे हो जाता है गुड्डू, है ना। चलो चलो, और जब कल तो दूसरी वाली है ना, आज वेडनेसडे था ना, तो इसलिए ब्लैक वाली नहीं, नहीं ब्लैक शूज, रेड वाली, हाँ ब्लैक शूज पहने हैं कल, ठीक है। हाँ गाइस, हम भूल गए ना, फ्रॉक पहनी है। हाँ गुड्डू भी भूल गई थी ना कि आज स्पोर्ट्स ड्रेस है ना, मम्मा भी भूल गई आज स्पोर्ट्स ड्रेस है। कभी कभी हो जाता है ना। बैठ क्यों गया, उठो, चलो 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 उठो, आ गए। चलो गणु महाराज को जय करो जल्दी से, गणु महाराज को जय करो, जय गणु महाराज। चलो हाँ, वेरी गुड। चलो मैं आ गई हूँ गुड्डू को छोड़ के, और अभी मैं जा रही हूँ घर, मुझे बहुत जल्दी जल्दी हो रही है क्योंकि ओश्मी भी है अंदर, और इस बैग में मैंने थोड़ी सी सब्जी ली है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं ओश्मी क्या कर रही है अंदर। ओश्मी मीन्स ज्ञाना, ज्ञाना मीन्स डुल्की, आप समझ जाना, तीनों नाम उसी के हैं। तो चलो चलते हैं बाहर। तो गाइज यहाँ पे ये उठने की तैयारी कर रहे थे, और इससे पहले कि मैं घर पहुंच गई। अच्छी बात हो गई ना, है ना ज्ञाना, अच्छी बात हो गई ना, ये तो आपकी उठने से पहले मामा दीदी को छोड़ के आ गई, ये है ना मामा, गुड गर्ल बन गई मामा, है ना ज्ञाना, ओ मेरी ज्ञाना, हंसी कर दो ज्ञाना, हंसी कर दो प्लीज, कर दो यार, इतने बाव मत खाओ यार। थैंक यू सो मच ज्ञाना, इतनी प्यारी हंसी देने के लिए हमें। फिर से करोगी थोड़ी सी हंसी, फिर से करोगी, कर दो ना। भाई साहब आपकी हंसी हमें बहुत पसंद है ज्ञाना, है ना, थैंक यू सो मच, इतनी स्वीट सी हंसी देने के लिए। ओ मेरी स्माइली गर्ल, मम्मा की स्माइली गर्ल है गाइस ये, मम्मा की स्माइली गर्ल, देखो स्माइली गर्ल यहाँ देखो। चलो स्माइली गर्ल का मूड नहीं है, और हमारा जो पूरा घर है वो बहुत सारा मैसी 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 हो रखा है गाइस, ये तो चलो जल्दी से ठीक करते हैं इस घर को, और फिर नाश्ता कर, दिखा दिया है ये कपड़े वपड़े सब कुछ फैल रखा है पूरा घर, तो पहले मैं सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगी, और नाश्ता मैंने बना रखा, मैंने पराठे बनाए हुए हैं अपने लिए, और उसके बाद मैं घर की सफाई करूँगी, सफाई मतलब कि ये सारा जो रायता फैल रखा ना पूरे घर पर ये सब समेटूँगी। भूख लगी है, भूख बहुत तेज। और मैं अपनी ज्ञाना को ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत जल्दी भूख लगती है, तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। और लड्डू जी भी हमारे बैठे हुए इंतजार में कि कब हमें खाना मिलेगा। ये रहे पराठे, और अचार निकालती हूँ अभी। और गाइस मैं आपको एक अपने घर की इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगी, तो ये रही वो इंटरेस्टिंग चीज़। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने जो घी है ना वो ऐसी वाली बॉटल में रख दिया है, और इससे निकालने में बहुत ईजी होता है, बार बार चम्मच नहीं निकालनी पड़ती है, और ये फट से आ जाता है इससे, और यहाँ पे ज़्यादा ठंडी भी होती नहीं है। एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, सच में बताऊँ तो। मुझे मोटिवेशन मिलती है कि जो आज एक सब्सक्राइबर मेरा बढ़ा है ना उसके लिए मुझे व्लॉग बनाना है कल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, तो मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइज अब मैंने अपना सारा रूम क्लीन कर दिया है, जो पूरा रायता फैला हुआ था ना सुबह सुबह का, वो मैंने सब समेट लिया है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक झलक अपने रूम की, एकदम क्लीन हो गया मेरा रूम, और इसी के साथ मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज पूरा रूम साफ हो गया है, और यहाँ पे मैंने पर्दे भी मैंने खोल के रख दिए हैं, थोड़ा लाइट आ जाएगी अंदर, तो हमारा जो ये रूम है ये बिल्कुल खुला खुला है, बहुत अच्छा रूम है ये, एकदम लाइट अंदर आ जाती है, तो ये देखिए गाइस ये पूरा साफ हो चुका है, और तो ये वाला रूम भी मैंने पूरा समेट लिया है देखिए। तो अब गाइस 10:05 हो रहे हैं, और मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रूटीन जो मैं आज व्लॉग बनाने वाली थी डे रूटीन का, तो मुझे नहीं लगता कि ये डे रूटीन मतलब 10 मिनट का या 20 मिनट का बन पाएगा, ये तो पूरा एक घंटे का बनने वाला है गाइस, तो मुझे लगता है मुझे ये बीच में ही एंड करना पड़ेगा, और आपको
कंटिन्यू करना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ गाइज बने रहिए और वॉच करिए, नेक्स्ट व्लॉग भी वॉच करना, ये वाला तो आप करोगे ही करोगे, है ना। तो मैं इसको यहीं पे करती हूँ एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, सेकंड पार्ट में डेली रूटीन। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।